आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडिया विल सेल लिथियम रिजर्व्स, लिथियम ऑक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व सून। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और स्ट्रीमिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सबको याद होगा, मैंने कुछ ही हफ्तों पहले दो वीडियोस करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत ही बड़ा रिजर्व मिला है लिथियम का। ये अपने आप में बड़ी न्यूज़ थी। अब इसके बाद देखिए, कई रिपोर्ट सामने आई हैं वेरियस मीडिया आउटलेट्स में कि भारत सरकार इस लिथियम का, जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, इस लिथियम का ऑक्शन कर सकती है 2024 में। यहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट टू ऑक्शन न्यूली डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स। नाउ कई न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो पहला क्वार्टर होगा उसमें इसको हम ऑक्शन करेंगे। कई रिपोर्ट्स कह रही है कि थोड़ा सा बाद में ऑक्शन होगा, मगर ज़रातार रिपोर्ट्स आप देखोगे ये बात कंफर्म कर रही है कि भारत सरकार का प्लान यही है कि किसी कंपनी को माइनिंग करने की परमिशन दी जाएगी, लिथियम निकालने की परमिशन दी जाएगी और उसके बदले में वो कंपनी भारत सरकार को देगी पैसा। नाउ क्या ये प्लान काम कर पाएगा, बहुत कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं, डिस्कस करेंगे। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हाल ही में UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को हमने एक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च कर दिया है, किस कंट्री में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर या फिर कतर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका वीडियो के एंड में। और कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ड मिल जाए ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ओके, तो ये सारा टॉपिक समझने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल बात आपको जाननी हो, हमारे देश में अभी के लिए हमारे पास लिथियम को रिफाइन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कच्चा तेल है, कच्चा तेल आपने निकाला जी रशिया से, सऊदी अरेबिया से या किसी और देश से। ये जो कच्चा तेल है अपनी रॉ फॉर्म में, ये तो पेट्रोल या फिर गाड़ी में नहीं डलेगा ना, आपको इसे रिफाइन करना होगा रिफाइनरी में। ये काम करती है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गया या फिर वेरियस और रिफाइनरीज है दुनिया भर में। ये इस कच्चे तेल को रिफाइन करती है, बनाती है बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं डलते हैं आपकी कार बाइक में और फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाते हो। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के रियासी में जो हमको अभी के लिए लिथियम मिला है, ये वैसे अभी धरती के नीचे है, माइनिंग करके बाहर निकालना होगा। मगर माइनिंग करके जब हम इसको निकालेंगे ना, तब ये ऐसा दिखेगा। अब ये अपनी रॉ फॉर्म में ना हमारे किसी काम का नहीं है, अनलेस हम सीधा सीधा रॉ फॉर्म में इसको बेच दें, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। हमारे जैसा देश, इतने रिसोर्सेज, इतने इंटेलिजेंट लोग, उनको लिथियम मिला, लिथियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ फॉर्म में, बहुत खराब होगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भारत में जो हमको लिथियम मिलेगा ना, इसे हम रिफाइन करें और फिर भारत में ही बैटरीज बनाएं। मगर प्रॉब्लम यही है कि भारत में लिथियम की रिफाइनरीज तो है नहीं। हाल ही में आपको याद होगा 2022 में न्यूज आई थी कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी, इस पर MOU साइन हुआ है। मुझे अभी 2023 चल रहा है ना, मैं इस न्यूज के बारे में सुन रहा हूँ जी 2020 से कि अभी लिथियम रिफाइनरी का यहाँ पे एक सेटअप बनाया जाएगा, 1000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बारे में मैंने सुना बहुत है, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हुआ नहीं है। और मैं कहता हूँ जी रातों रात ये गुजरात की रिफाइनरी बन भी गई, तब भी ये मैग्नीट्यूड में इतनी छोटी होगी कि जितना हमको मिला है लिथियम 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का, इसे रिफाइन करने की कैपेसिटी बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर गुजरात की रिफाइनरी में अकेले नहीं हो पाएगी। हमको बहुत से राज्यों में बहुत सी रिफाइनरीज चाहिए होंगी, तो जाकर इस लिथियम का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे, इसकी बैटरीज बनाकर या तो खुद इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बिल्कुल मेरे हिसाब से सैड बात है कि इस सेक्टर में ना हमने फोकस पहले से नहीं किया। चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना में ना इनका एक बहुत ही फेमस शहर है, शहर का नाम है यिचुन। यिचुन के बारे में शायद आपने कम सुना होगा, मगर लिथियम के मामले में ये एशिया की कैपिटल है। चाइना से जो भी लिथियम आयन बैटरीज निकलती है, जो भी रिफाइंड लिथियम निकलता है, वो ज़रातार इसी शहर से निकलता है। और चाइना हर साल बिलियंस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और कर देता है ताकि लिथियम को प्रोसेस करने की क्षमता इस शहर में लगातार बढ़ती रहे। और ये देखिए चाइना की ग्रेट गेम का पार्ट है, इन्होंने पश्चिमी देशों को
कंप्लीटली खुद पर डिपेंडेंट बना दिया है लिथियम के मामले में। जो बाइडन भी अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लिथियम के मामले में यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, मगर ये काम रातों रात नहीं हो पाएगा। लिथियम को रिफाइन करने की कैपेसिटी यूएसए में है, मगर बड़े स्केल पर रिफाइनरीज बनाने में टाइम लग जाएगा। मगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखूं तो चाहे थोड़ा टाइम लग गया, मगर हम अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के समय इंटरनेशनली मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एल्बेमार्ल, इन लोगों की महारत है लिथियम को रिफाइन करने के मामले में। तो कई यूएस की कंपनियां हैं, कई परहैप्स इंडियन कंपनीज हैं जिनके पास पैसा है, बस अभी के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि लिथियम को रिफाइन कैसे करना है। तो भारत सरकार का प्लान रिपोर्ट्स के हिसाब से ये है कि भारत सरकार कहेगी कि मान लो ये इलाका है, यहाँ पर हमारे हिसाब से इतने मैट्रिक टन का लिथियम हो सकता है, तो हम ब्लॉक्स इसके ऑक्शन कर रहे हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, जो भी कंपनी ज़रा बड़ी बोली लगाएगी उनको ये ब्लॉक मिल जाएगा, उसके बाद माइनिंग करो। मगर एक शर्त बताया जा रहा है भारत सरकार ये लगाएगी। शर्त ये होगी कि जो भी कंपनी लिथियम निकालेगी इन ब्लॉक से, उसके बाद लिथियम को रिफाइन करने का प्रोसेस भारत में ही होगा, क्योंकि लिथियम रिफाइनरीज एक बार बन गई ना भारत में, उससे देखिए पहली बात तो नौकरियां बहुत सारी बन जाएंगी, उसके अलावा एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी लिथियम आयन बैटरीज की। मुझे याद है आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, इलॉन मस्क की एक कोट बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी ऑनलाइन। इन्होंने ये कहा था कि लिथियम को रिफाइन करने का जो बिजनेस है, माइनिंग का नहीं, माइनिंग तो क्या आपने चलो लिथियम को खोद के बाहर निकाल दिया, खोद के बाहर निकालने के बाद जो रिफाइनिंग का बिजनेस है ना, ये ऑलमोस्ट नोट छापने के बराबर है। लिथियम की इतनी डिमांड है दुनिया भर में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि 2025-26 तक लिथियम की बहुत ज़रा शॉर्टेज होगी दुनिया भर में। वैसे ही लिथियम को रिफाइन करने की कंपनीज बहुत ज़रा कम है, चाइना पर निर्भरता वेस्टर्न कंट्रीज कम करना चाहती है। तो जो कंपनी लिथियम को रिफाइन करना सीख गई, लिटरली वो नोट छाप सकती है। और इसलिए इलॉन मस्क ने कहा है कि हो सकता है कि टेस्ला खुद ही इस बिजनेस में कूद जाए, क्योंकि कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लिथियम इतना महंगा हो रहा है कि उसकी वजह से इनकी गाड़ियों की जो कॉस्ट है ना, ये भी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये सब रिपोर्ट सही है, अगर मैं यही कहूँगा, सरकार की नोटिफिकेशन अभी के लिए कोई आई नहीं है, ये सब अभी हमारे सामने रिपोर्ट्स ही हैं, और अगर मान लीजिए सरकार जेन्युइनली जम्मू कश्मीर में लिथियम की माइनिंग को लेकर सीरियस है, लिथियम की रिफाइनिंग को लेकर भी सीरियस है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़रा पॉजिटिव साइन है। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं, क्योंकि माइनिंग करके आप बाहर निकालोगे, रिफाइनरी सेटअप करोगे, कुछ साल लग सकते हैं, बट इंडिया की ग्रोथ रेट को, इंडिया की इकोनॉमी को इससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा। तो ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोज़ इन द फ्यूचर लाता रहूँगा। हो सकता है कि वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश में मैं एक वीडियो डालूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को क्यों टेंशन है इंडिया की लिथियम माइनिंग से, क्योंकि लिथियम माइनिंग में पानी का बहुत यूज होता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, हो सकता है कि इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं बाद में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में आने वाला है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। इस चीज में तो कोई शक नहीं कि फ्यूचर में जो है लिथियम की जो एक डिमांड है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। बाकी जो चीजें जैसे मोबाइल की बैटरीज की बात करिए, बैटरी बाकी बैटरीज की बात करिए, उसमें तो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, हालांकि डिमांड उसमें भी काफी ज्यादा
ज्यादा है, लेकिन क्योंकि गाड़ियों में ज्यादा बड़ी बैटरीज इस्तेमाल होंगी तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो है आपको खासतौर पर जो कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं जो ईवी बनाएंगी, बेशक वो आप कह ले बसेस बना रही हैं, बेशक वो गाड़ियां बना रही हैं या कोई और अगर की नई इनोवेशन आ जाती है जैसे ट्रक्स के लिए भी जो है इन फ्यूचर अगर इस्तेमाल होता है तो देखा जाए तो लिथियम की वाकई बहुत ज्यादा जो है डिमांड बढ़ने वाली है और साथ साथ जो है लिथियम रिफाइन करने की फैक्ट्रीज जो हैं उनकी जो है एक बहुत ज्यादा आपको जो है ग्रोथ उस सेक्टर में देखने को मिलेगी। ओके, आज की वीडियो देखकर मुझे मेरे सेन में एक चीज आ रही थी कि देखो एक रिजर्व आपको कोई भी मतलब कोई ऐसा रिसोर्स मिलता है और उसके बाद फिर स्टेप्स लेना कितने डिफिकल्ट होते हैं, उन सबको प्लान करना। अभी जिस तरीके से प्रशांत सर ने बीच में बताया भी कि लाइक प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है इंडिया के पास तो मे बी वो उसको आउटसोर्स कर दें कि लाइक जो बाहर की कंपनीज हैं वो बिड करेंगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, एक प्रॉपर रिफाइनरी प्लांट लगेगा और उसके बाद एग्जैक्टली रिफाइन मतलब उसको रिफाइन करेंगे ना वो, फिर उसके बाद जाकर जो चीजें हैं वो आगेंगी। लेकिन मुझे ये चीज सबसे अच्छी लग रही है कि अगर कोई बाहरी कंपनी आकर इन्वेस्ट करती भी है तो सारा जो प्रोसेस है वो इंडिया में ही होगा, यानी कि अपने कंट्री में होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है। मोर ओवर मुझे लगता है कि जैसे हम स्टार्टअप्स देखते हैं, मुझे लगता है कि मे बी आने वाले टाइम में हमें इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में देखने को मिले, और जो ई व्हीकल्स हैं जितनी भी कंपनीज हैं डेफिनेटली वो काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होंगी क्योंकि उनको भी अपनी कॉस्ट कहीं ना कहीं पर कम करनी है। और जिस तरीके से निर्भरता बढ़ती जा रही है क्योंकि एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। लाइक अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल से गाड़ियां जो है वो काफी ज्यादा ईवी की तरफ आ रही हैं, और मतलब कुछ इस तरीके की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं कि ताकि जो लोग हैं वो स्विच करें इन्वायरमेंट को लेकर भी। और इन्वायरमेंट को मुझे लगता है लेकर तो अभी हमें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह की हम एक चेंजेस देख रहे हैं वो बहुत ही मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर है। सो मुझे लगता है कि ये काफी एक बेटर स्टेप है कि हम लोग ऐसी चीजों पे स्विच करें जो कि कम से कम हार्म करें। यार देखा जाए तो अभी जैसे माइनिंग इंडिया में जो है स्टार्ट होगी, पहले तो ऑक्शन होगी, तो उसमें जो है सबसे पहले एक चीज जो देखने वाली होगी कि नो डाउट कि रोजगार जो है जनरेट होगा, लेकिन जो है उसमें जो है कंडीशंस जो होंगी लाजमत है, अब जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या ऑक्शंस होती हैं तो उसमें जो है दोनों पार्टीज की जो आपस में निगोशिएशन होती है वो क्या होती है। क्योंकि हम अगर यहाँ पर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में मोस्टली हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जिस कंट्री का अगर प्लांट लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में आपको ये देखने को मिलती है कि मोस्टली जो हायर रैंक पे एक जो आपको लेबर देखने को मिलती है वो चाइना की अपनी होती है। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप जो है जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं वो किस तरह जो यानी कि होगा। अब इसमें मुझे जो एक जो ऑक्शन में जो सबसे अच्छी कंडीशन वो ये लगी है कि कंपनीज जो हैं वो अगर माइनिंग के लिए आ रही हैं तो वो इसे रिफाइन भी इंडिया में करेंगी, तो ये जो एक कंडीशन है ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो रिफाइनरी से जो है यानी जो रिफाइन होकर जाएगा उसमें आप ज्यादा पैसा जो है ज्यादा जो है विदेशी मुद्रा जो है वो आप ज्यादा जो है अर्न कर सकते हैं, तो ये कंडीशन जो है मुझे बीच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। वैसे जहां तक मैं समझ पा रही, देखो पाकिस्तान का तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो ना कि यहां पर हम लोग चाइना के अंडर बहुत ज्यादा है, बट अगर इंडिया के देखें जैसे कि सर ने बीच में बोला भी कि टेक्नोलॉजी अभी उस तरीके से नहीं है इंडिया के पास कि किस तरीके से रिफाइन करनी है चीजें, तो मे बी फॉर द टाइम बीइंग जो एक आपको हायर रैंक पर ऐसे लोग मिले जो कि फॉरनर्स हों जो कि उस कंपनी की तरफ मतलब जो भी कंट्री की कंपनी है जिनको इस प्रोसेस के बारे में पता है, बट लेटर ऑन हो सकता है कि जो इंडियंस हैं वो मतलब उस चीज को मतलब संभालें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आप चीजें बहुत ज्यादा लर्न करते हो और यू नो उसमें भी आपकी एक्सपर्टीज आती हैं। सो क्योंकि हमारा मुझे पाकिस्तान का यू नो थोड़ा सा इस तरह से लगता है कि हमारी जो सोच है ना वो थोड़ी और तरीके की है, हम लोग हमारे जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर इंडियन लीडर्स के बारे में हम लोग देखें ना तो वो अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोच हैं। सो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक डिफरेंस है अप्रोच का, तो मे बी ये अभी तो हम लोग सिर्फ एक अज्यूम कर रहे हैं कि मे बी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी चाइना को लेकर मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि जैसे सर ने बीच में बोला भी कि जो एक शहर है यीचुन अच्छा चलो जो भी है मुझे तो ऐसे लग रहा था यीचुन ओके सो जो कि लिथियम का कैपिटल भी कहा जाता है, तो इससे ये चीज पता चलती है कि लाइक चाइना आई थिंक मतलब कितना आगे
जो हम देखते हैं उसकी रीजन क्या है। इसका मतलब ये है कि काफी टाइम पहले उसने अपनी R&D पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और जो आने वाले टाइम में चीजें जिस पर लोगों की निर्भरता ज्यादा हो सकती है उसने उन सब पर एक टाइम इन्वेस्ट किया, एक पैसा इन्वेस्ट किया। और जैसे पश्चिमी बोलते हैं पश्चिमी देशों के बारे में जैसे जिक्र किया, तो रिसेंटली हम लोगों ने भी ये वीडियो एक वीडियो देखी थी आई थिंक प्रशांत सर की थी, जिसमें अमेरिका के बारे में बोला गया था कि वो भी अपने वो रिफाइनरीज जो है खुद जो है वो लगा रहा है, वो कम करना चाहता है और मतलब लिथियम को लेकर वो काफी मतलब ये सोच रहा है कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए। और जैसे इलॉन मस्क ने भी बोला भाई ये लाइसेंस है पैसे छापने का, तो इससे ही समझ जाओ क्योंकि इलॉन मस्क ऐसे तो बात नहीं करता भाई। देखें सीधी सी बात है, लिथियम को जो है व्हाइट गोल्ड जो है वो कहा जाता है और बहुत सारे कंट्रीज जो है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे पूरी दुनिया एक ग्रीन एनर्जी की तरह डाइवर्ट हो रही है तो लिथियम उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। उसके अलावा बीच में जो है पानी की बात की गई जो प्रशांत सर ने कहा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो लास्ट जब हमने बनाया था तो उसमें ये चीज हमें बताई गई थी, हमें खैर उसे मालूम नहीं था लेकिन जो है बताया गया था कि लिथियम की माइनिंग में जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो उससे जो है वाटर पोल्यूशन और क्या नाम लेते हैं और भी बहुत सारे जो है वो अलग से चर्चा करेंगे। एक साइड से अगर आपको बेनिफिट होता है ना तो दूसरी साइड पर आपको उसके ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ते हैं। वैसे जब मैंने पेट्रोल पहली दफा देखा जो मतलब कच्चा तेल इसी तरह ही होता है, गारा होता है, उसके बाद कैसे उसको प्योर करके तो हम लोग यूज करते हैं। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कि आपकी क्या राय है, और इसी के साथ हमें जॉल मार्वल चैनल पर वीडियो शेयर। गुड बाय।